भैया ये कुर्सी खाली पड़ी है, इधर बैठ जाए ना आप आगे, ये फुलेरा वाले खड़े हैं इधर बैठो ना आगे कुर्सियों पे, ये पीछे से भी आगे आ जाओ, यहाँ जगह है, इनको पुलिस वालों को कहना है कि बारे अलाउ कर दें इधर इस जगह, हम मुख्यमंत्री जी को सुनना है सब लोगों को, अलाउ कर दें आगे आ जाओ आप सब, पीछे से भी बुला लें यहाँ बैठ जाएंगे नीचे, अरे कुर्सियाँ खाली पड़ी है इधर आ जाएं, जगह जगह है अपने पास, वो पीछे से भी बुला लें जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं उनका, अरे यहाँ बैठ जाओ आगे। राजस्थान किसान महोत्सव के आज के समारोह में, समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, मंत्री सम्मान्य प्रताप सिंह जी खाचरियावास, सम्मान्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, केंद्र के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक चेयरमैन सम्मान्य महादेव सिंह खंडेला जी, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी, जयपुर की महापौर श्रीमती मनीषा गुजर जी, यहाँ संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज, हीरापुर जी महाराज, भुवनेश जी पुरी जी महाराज और रघुपति जी महाराज, राजस्थान की प्रमुख सचिव सम्मानीय उषा शर्मा जी, श्रीमान कुलदीप राका जी, हमारे विभाग के अधिकारी विकास भाले जी, पृथ्वीराज जी, विधायक साथी आलोक बेनीवाल जी, अमीन कागजी जी, एचआर कोड़ी साहब, अनिल व्यास जी, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, युवा साथियों और मीडिया के सभी साथीगण, मैं सबसे पहले विभाग की तरफ से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी और मंचासीन सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार का सपना और जो आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और जो वादे और जो जनता की आशाएं थी, उन आशाओं के अनुरूप राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किसानों की सुधली, पशुपालकों की सुधली और जो 60% आबादी राजस्थान में खेती और किसानी पर आधारित है, उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आप सभी को मालूम है कि कृषि विभाग द्वारा हमने राज किसान साथी पोर्टल जारी किया, उसके माध्यम से जितनी कृषि विभाग की योजनाएं थी आदान के अनुदान की, उन योजनाओं का पूरा लेखा जोखा गांव में बैठा हुआ हमारा किसान भाई जिस भी स्कीम में वो फार्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन करके, पूरे राजस्थान में एक नवाचार किया और 23 कल्याणकारी योजनाएं उसके माध्यम से आज राजस्थान सरकार गाँव में किसानों के माध्यम से उनको ताकत देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल की जो सरकार थी उसमें 7,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को नुकसान के मिले, पर वर्तमान सरकार में ये राशि आप अंदाजा लगाएं 18,000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिए गए हैं। 1,90,00,000 से अधिक हमारे किसान भाई जो पॉलिसी धारक थे उनको आर्थिक मदद की गई है। तारबंदी के अंदर हम 1,00,000 कृषकों को 4 करोड़ मीटर की तारबंदी की गई है। आप और हम सब गाँव में रहने वाले हैं, चाहे आवारा का हो चाहे बेसारा का हो, जो पशुधन खेती को नुकसान करता है उसको तारबंदी के माध्यम से किसान को अपनी खेती और किसानी के लिए उनसे बचाने का काम किया और तारबंदी उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे गाँव में ग्रीन हाउस, पोली हाउस, आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया में नए नए नवाचार हो रहे हैं, उसी तरह हमारे राजस्थान प्रदेश में मैं ये कह सकता हूँ कि कई जिले ऐसे हैं जो आने वाले समय में इजराइल को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारी प्रमुख शासन सचिव एक बार जयपुर के आसपास कई गांवों का दौरा करके मुझे बताया कि इजराइल की पद्धति पे किसान काम कर रहे हैं,
और राजस्थान की ताकत है कि कोविड काल के अंदर जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का जो कहर बरपा, उस कोरोना काल के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी थी जो देश और दुनिया में कहीं नौकरी करती थी, जब अपने घरों पे वापस लौटी तो उन्होंने खेती बाड़ी की सुध ली, और जो नवाचार उस टाइम हुए उसी की ताकत है कि आज खेती और पशुपालन में हम देश में दूध उत्पादन में पहले नंबर पे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, हमारे प्रदेश के सरकार की सोच, और जो इनके मन में पीड़ा थी, आज प्रदेश के अंदर पहली बार कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, 12 मिशन रखे और उसके माध्यम से खेती और किसानी को आगे बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। कृषि के क्षेत्र में 49 नवीन कृषि महाविद्यालय, यहाँ हमारे वीसी साहब बैठे हैं, जोबनेर बीकानेर के 49 कृषि महाविद्यालय, देश की आज़ादी के बाद में 4.5 साल के अंदर पहली बार हमारे छात्रों और छात्राओं को कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो दूसरे स्टेटों में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, खेती बाड़ी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, 49 नवीन कृषि महाविद्यालय खोले गए। इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र में 8 पशु चिकित्सा महाविद्यालय, 1 हॉर्टिकल्चर का महाविद्यालय अपने दुर्गापुरा में, और आपको सबसे बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान में 1 वेटनरी पशु चिकित्सा का 1 विश्वविद्यालय था बीकानेर में। डूंगरपुर बांसवाड़ा का छात्र भी उम्मीद करता था, और जब उसका सिलेक्शन हो जाता था तो डूंगरपुर से चल के पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर पढ़ने के लिए आता था। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो एक सेंटर पॉइंट है, एरोड्राम भी नज़दीक है, दुनिया भर के शोध होते रहते हैं, नए नए नवाचार होते रहते हैं, सेमिनार चलती रहती है, तो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जोबनेर के अंदर उन्होंने राजस्थान में 1 वेटनरी यूनिवर्सिटी दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार राजस्थान के किसान की खुशहाली के लिए नई सोच के साथ में काम किया गया। साथियों, बताना चाहूँगा, बिजली महंगी है। अरे भैया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, घरेलू बिजली पे 100 यूनिट कर दी, पर उससे भी बढ़ के आगे जो काम हुआ, 63,000 सोलर पंप कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के खेतों में लगाए गए। इसमें ऊर्जा विभाग के आंकड़े अलग हैं। हमने कृषि पर्यवेक्षकों की 5,134 की भर्ती की गई। हमारी जो नौजवान पढ़ी लिखी पीढ़ी थी, जो अपने आप को बेरोजगार मानती थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक कृषि पर्यवेक्षक होना चाहिए, जो संपूर्ण जानकारी विभाग की किसानों को उपलब्ध कराए, और उसी के कारण 5,134 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की गई। फार्म पॉन्ड के अंदर पिछले 5 साल में 5,000 पूरे फार्म पॉन्ड बनाए गए। अभी 4.5 साल के अंदर हमने 15,000 फार्म पॉन्ड बनाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर खेत के अंदर फार्म पॉन्ड है, वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, ड्रिप से सब्जी पैदा की जाती है, और अब तो किसान और भी आगे बढ़ गया है कि ड्रिप के माध्यम से जो गेहूँ चना, और मुझे मालूम चला है राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे जिलों में तो अब तरह तरह की और जो फसलें होती थी, कपास हो, वो भी ड्रिप से होने लग गई। इसी प्रकार कृषि यंत्रों के अंदर मैं इसमें कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कृषि यंत्रों में सबसे ज़्यादा काम राजस्थान में हुआ है। हमने करीबन राजस्थान के अंदर GSS को मजबूत करने के लिए 1,037 ट्रैक्टर हम दे चुके हैं अभी तक। आप अंदाज़ा लगाओ कि 1,037 हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें GSS के माध्यम से आधी रेट पे ट्रैक्टर मिलेगा किराए में, उसमें रोटावेटर मिलेगा, कल्टीवेटर मिलेगा, थ्रेसर मिलेगी, ट्रॉली मिलेगी, पानी की टंकी मिलेगी। यानी जो भी कमजोर का किसान है, जो ट्रैक्टर का खर्चा वहन नहीं कर सकता, वो GSS में जाए और किराए में ट्रैक्टर लेके अपनी खेती बाड़ी का काम करे, अपनी जोत करे, और यदि थ्रेसर की आवश्यकता हो तो सीजन के अंदर थ्रेसर भी वहाँ उपलब्ध मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हम खेती किसानी को कैसे ताकतवर बनाएं। 2-2 पैसे बचा के आदमी और किसान 5 रुपये लीटर दूध में अनुदान देने का काम किया। आप सभी को पता है
गत वर्ष चारे की क्या स्थिति रही, 15 और 20 रुपए किलो तक चारा पहुंच गया था। मुख्यमंत्री जी ने आपात बैठक की, अन्य स्टेटों से बात की और जिन स्टेटों ने चारे पे रोक लगा दी थी उनका प्रवेश राजस्थान में कराया और आज उसका असर है, दूध का असर है कि हम दूध पे तो उत्पादन में पहले नंबर पे है ही, पर चारा भी 750 और 800 रुपए किलो हमको भी मिल रहा है। भगवान की दया से बरसात ठीक हो रही है, हमने 32 लाख मिनीकट बीज के दिए हैं और 20 लाख सब्जी के मिनीकट दिए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि पशुधन के क्षेत्र में आज का जो ये कार्यक्रम है, हमारी गौमाता भी जो कहर बरपा, यहाँ संत शिरोमणि विराजमान हैं जो पूरे राजस्थान में अलग जगाते हैं, आदिकाल से गौमाता को हम पूजते आए हैं, हर घर में गौमाता रहती थी और हम बार त्यौहार और सुबह गोघास देने का काम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। उस गौमाता को बचाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया और गौशालाओं का अनुदान पहली बार 3 महीने का, दूसरी बार 6 महीने का, तीसरी बार 9 महीने का ये काम करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिनकी बदौलत आज लाखों बेसहारा गौवंश इन गौशालाओं में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा। मैंने कई बार देखा है कि गांवों से अब हमारे पास पत्र आ रहे हैं कि हमारे भी यहाँ गौशाला खुलवा दो, लोग कमेटियां बना बना के आते हैं, जमीन मांग रहे हैं, जमीन की एनओसी लेके आते हैं और एक नए तरह का माहौल पूरे राजस्थान में गोवंश को बचाने का बना है। हालांकि गोवंश को बचाने के लिए बहुत सारी और पार्टियां भी बात करती है, उसके नाम से वोट भी लेती है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर यदि गोवंश को बचाने का काम किसने किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। और आप सबको मालूम भी है आज लंपी के अंदर किसी भी पशुपालक भाई की गौ माता की मृत्यु हो गई। जब मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता चला कि यह संख्या हजारों की तादाद में है तो मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी, पूरी चर्चा की और मैं तो खुद आपको कह सकता हूं मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि देश में कहीं ऐसा का वातावरण था ही नहीं, कोई राज्य इसमें सोच ही नहीं रहा था कि किसी पशुपालक के गोवंश की मृत्यु हो जाए और उसको आर्थिक रूप से मदद देने के लिए 40,000 रुपये उस गोपालक को दिए जाएं, यह केवल मुख्यमंत्री जी की सोच थी। और उसका परिणाम है कि आज DBT के माध्यम से अभी कुछ ही समय बाद में मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर उन गोपालकों के खाते में जिनका डाटा हमारे पास है 40,000 रुपये आपके सामने भी कुछ ही समय बाद में डल जाएंगे। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि गोधन को मजबूत करने के लिए, गोधन को बचाने के लिए राजस्थान का जो डाटा हमारे पास में है, हमारे पास में 1,39,00,000 केवल मात्र गोवंश है जिसका गत वर्ष भी टीकाकरण किया गया। और जैसा कि अभी मुख्य सचिव महोदय बता रही थी, लगभग आज तक हम शाम तक 70 लाख के आसपास इस मौसम में टीकाकरण के पास पहुंच जाएंगे। 1 करोड़ के डोज हमारे पास उपलब्ध है, बाकी आ रहे हैं, बरसात से पहले पहले लगना जरूरी है, इसका भी हमने ध्यान रखा है और पशुधन को बचाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है। हमने जो LSA पशुधन सहायक होते हैं उनकी भर्ती भी की और 3,200 मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं रहे जहाँ पशु उपकेंद्र नहीं हो, हमारा LSA नहीं बैठे, क्योंकि मनुष्य की दवा जब फ्री है तो आपने पहले ही अपने कार्यकाल में पशुधन की दवाइयाँ फ्री की, उसमें 138 तरह की दवाइयाँ सरकार उपलब्ध करा रही है और वो जब भी उपलब्ध होगी, जब हमारा डॉक्टर LSA ग्राम पंचायत में बैठेगा, इलाज करेगा ताकि किसान को फायदा हो। तो 3210 पशुधन सहायकों की हमने भर्ती की, 900 डॉक्टरों की भर्ती कोर्ट में अटक गई थी, उसका क्लियरेंस भी हमारे को मिल चुका है, 900 डॉक्टर भी जल्दी फील्ड में आ जाएंगे। एक सबसे बड़ा काम ऊंट संरक्षण को लेके हुआ, आप सभी जानते हैं राजस्थान में पिछली सरकार में एक कानून बन गया था
और उस कानून के दायरे में वर्तमान समय में जो नियम बने ऊंट पालकों पे संकट आया। अरे बात मुख्यमंत्री जी को जब पता चली तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी मदद करनी चाहिए, और मुझे खुशी है इस बात की यहाँ जो ऊंट पालक भाई बैठे हैं कि उनको हम दो किस्तों में 5,000 रुपए उनके खाते में डला चुके हैं। जो भी लिस्ट हमारे पास है, आंकड़े हैं, उनके सबके 5,000 रुपए दो किस्तों में यानी 10,000 रुपए उनके खाते में जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात थी कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है जो पशु डॉक्टर बनना चाहते हैं, पशु चिकित्सा में जाना चाहते हैं, उनकी लगातार डिमांड थी कि उनको स्टाई फंड के रूप में मात्र 3500 रुपये मिलते थे, केवल मात्र 3500 रुपये जो हमारे पशु चिकित्सक बन रहे हैं, और लगातार कई सालों से उनकी डिमांड थी। ये बात जैसे ही हमारे ध्यान में आई हमने बात सीएम साहब तक पहुंचाई, और इन्होंने इससे पहले वाले बजट में 3500 से बढ़ाकर स्टाई फंड 14,000 रुपये पर स्टूडेंट का करने का काम किया। और नौजवान पीढ़ी जो पशु चिकित्सा में रुचि नहीं रखती थी वो भी ये मानने लगी कि MBBS डॉक्टर के बराबर हमारे को भी स्टाइपेंड मिल रहा है, और एक खुशहाली का माहौल गरीब परिवारों में देखने को मिला। इसी प्रकार मछली पालन में काम हुआ। आज झींगा मछली के अंदर हमारा जो चूरू जिला है उसमें करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, और झींगा पालन के अंदर आने वाले समय में जिस प्रकार विभाग काम कर रहा है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं राजस्थान में देश के उन गिने चुने राज्यों में होंगे जहाँ झींगा पालन किया जाता है। और झींगा पालन के लिए अलग से चूरू में हमने मत्स्य विकास अधिकारी बिठाया, और उसके माध्यम से जो उनकी समस्याएं थी कि उसमें कई बार जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने का काम किया। तो साथियों, में ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं जो कृषि और खेती के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, उनकी जानकारी आप रखें। या हमने प्रदर्शनी भी लगाई है, जो नए नवाचार हुए हैं, नए यंत्र हैं, नए ट्रैक्टर हैं, पशुधन के बारे में जो जानकारी है वो सारी 3 दिन तक उपलब्ध कराई जाएगी। हमने 60,000 किसान भाइयों को यहाँ आने का न्योता दिया है, और काफ़ी संख्या में लोग आज भी पधारे हैं। लगातार 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, और ये सारी सोच मुख्यमंत्री जी की थी। तो एक बार पुनः मैं विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री जी का पुनः स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी सोच के कारण आज राजस्थान में दूध उत्पादन के अंदर हम पहले स्थान पर आए। अभी 1 तारीख को इंटरनेशनल मिल्क डे था। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गत 1 तारीख को श्रीनगर के अंदर, मैं उसमें गया था, और मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ देश के सारे मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, मुझे बोलने का मौका मिला, और मुझे खुशी हुई इस बात की, सबने तालियां बजाई कि एक मरु